दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो बंदा है वो किड्स कंटेंट बनाता है, ठीक है, और मंथली कितना व्यूज़ लेकर जाता है आप यहाँ पे देख सकते हो। भाई भाई 57 मिलियन व्यूज़ मंथली लेकर जाता है। और अर्निंग की बात करें तो भाई ओ माय गॉड भाई, $14,000 से लेकर भाई $2,00,000, ठीक है, चलो हम मिनिमम 14,000 मान के चलें, तो भाई वो इंडिया कितना होता है, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा। दोस्तों आप YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, YouTube से अर्निंग करना चाहते हैं, लेकिन भाई आपकी मजबूरी ये है कि भाई आप अपना फेस दिखा नहीं सकते हैं, कैमरे के सामने आ नहीं सकते हैं, ठीक है, अपनी आवाज़ दे नहीं सकते हैं। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा कॉपी पेस्ट चैनल आइडिया, क्या किड्स कंटेंट वीडियो कॉपी पेस्ट करके आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो मेरे भाई, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, कोई दिक्कत नहीं ना, आपको आधा से एक घंटा काम करना है और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। पूरे चीज़ में आपको वीडियो कैसे बनानी है, वीडियो कैसे एडिट करनी है, थंबनेल कैसे बनाना है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कैसे लगाना है, कैसे ढूंढेंगे, ठीक है, सब मैं आपको इस सिंगल वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। और मैं आपके लिए बोनस, मैं आपको टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन खुद बना कर, खुद डिज़ाइन करके वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। आपको सिंपल कॉपी करना है और अपने वीडियो जो आपने बनाया है उसके अंदर लगा देना है, ठीक है। तो इतना चीज़ मैं आपके लिए करने वाला हूँ, आपको सिखाने वाला हूँ। केवल आपसे एक चीज़ चाहूँगा मेरे भाई, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जो नीचे जो लाल कलर का बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, आप उसको दबा दीजिए और घंटे को दबा देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, और हमारे जो प्रमोशन के जो विनर हैं उनका नाम यहाँ पे देख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। इनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और हमारे कम्युनिटी पोस्ट में, तो जाकर इन्हें फटाफट सब्सक्राइब करिएगा, इन्हें अच्छा खासा सपोर्ट दीजिए, ठीक है। और अगर आप भी आना चाहते हो प्रमोशन के अंदर मेरे भाई, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको वीडियो के लास्ट में एक कोड बोलूँगा, तो कोड को आपको टाइप करके एक अच्छा सा कॉमेंट करना पड़ेगा। अगर आप विनर बनोगे तो भाई अगले वीडियो में मैं आपका प्रमोशन कर दूंगा और आपको भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेट्स गो। तो भाई हम आ चुके मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर, ठीक है, तो हर चीज़ मैं आपको मोबाइल फ़ोन पर सिखाने वाला हूँ, तो टेंशन की कोई बात नहीं। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप हर चीज़ मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हो, ठीक है, सब मैं आपको आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चलो मैं आपको पहले दिखाता हूँ प्रूफ, ठीक है, जो मतलब आइडिया के बारे में बात कर रहा हूँ उसका मैं दिखाने वाला हूँ प्रूफ, ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, एक चैनल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो ये बंदा क्या करता है, इसका नाम देख सकते हो, इसका नाम है किंग गेम्स, ठीक है। सब्सक्राइबर की अब बात करें तो भाई 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, समझ रहे हो भाई, 3.29 मिलियन सब्सक्राइबर, मतलब बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर है, और इसने जो है 3,000 वीडियोस अपलोड कर डाली है। ये बंदा करता क्या, बेसिकली ये बंदा क्या करता है, कार्स वीडियोस होती हैं, ठीक है, जो मोबाइल फ़ोन पे गेम होते हैं वो गेम प्ले खेलता है, उसके बाद उसकी जो है रिकॉर्डिंग करता है, रिकॉर्डिंग करने के बाद भाई उसके अंदर जो है थोड़ा सा एडिटिंग करता है, उसके बाद यूट्यूब पर अपलोड करता है, ठीक है। और ये जो बंदा है एक दिन में 5-5 वीडियोस अपलोड करता है, आप देख सकते हो 3 घंटे पहले, ठीक है, अभी देखो 3 घंटे पहले भाई 786 व्यूज हो चुका है, ठीक है, अभी थोड़ा सा कम है, उसके बाद वो 11 घंटे, उसके बाद 3.6K, 9.2K, 7K, 6K, 8K, 4K, 5K, 18K, 9K, ठीक है, मतलब देख सकते हो भाई यहाँ पे काफ़ी इसका अच्छा व्यूज़ आ रहा है, ठीक है। और जितना भी इसका व्यूज़ आता है वो कहाँ से आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसका चैनल है US कंट्री का, मतलब जो जो इसका व्यूज़ है RPM काफ़ी अच्छा होगा, 1,000 व्यूज़ पर इसको $3 से $4 मिलता होगा, मतलब 400-500 रुपये 1,000 व्यूज़ पे। अब इसका आप देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा यहाँ पे इसका व्यूज़ आ रहा है, तो भाई इसकी अर्निंग कितनी होगी, लाखों करोड़ों रुपए इसकी अर्निंग होगी। अब इसकी अर्निंग मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, चलो अब इसका लिंक मैं कॉपी करूँगा फटाफट, इसका लिंक मैंने कॉपी किया, अब चलता हूँ सोशल ब्लेड वेबसाइट पर, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो सोशल ब्लेड दिखाता हूँ, मैं सोशल ब्लेड वेबसाइट खोल लेता हूँ, सोशल ब्लेड, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर सर्च किया, इसको करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके इस जो बंदे का जो चैनल का लिंक है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब आप देखते रहना, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका चैनल का लिंक आ चुका है। अब देखो आप भाई $14,000 से लेकर भाई $2,31,000 इसकी मंथली इनकम है। आप समझ सकते हो भाई $14,000 महीने का कितना ज़्यादा होता है। अगर मैं इसको इंडिया में मानूँ, मिनिमम 14,000 मान के चले इंडिया में, तो वो कितना होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 14,000 लिख देता हूँ, 14,000 USD, हाँ इंडियन रुपीज़। अब आप देख सकते हो 14,000 इंडिया कितना होता है, 11,11,376 रुपये आपके सामने लाइव, ठीक, 11 लाख रुपए। चलो छोड़ो इसको,
अगर आप महीने का 1 लाख रुपए भी कमा सकते हो तो वो भाई गवर्नमेंट जॉब के बराबर उससे ज़्यादा ही इनकम होती है महीने की। और आपको काम कितना करना है, दिन का आधा से 1 घंटा या 1 घंटा मार सकते हो, ठीक है, आपको इतना काम करना है और आप कुछ इस टाइप की अर्निंग कर पाओगे, ठीक है। चलो मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ कि बंदा कंटेंट बनाता कैसे है, देखते रहो। अभी बंदा क्या करता है कि सिंपल गेम प्ले होता है, मैं उसकी वीडियो प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ऐड आ गया, पहले सबसे पहले इसके चैनल पे ऐड आ गया, ठीक है। अब देखते हो, मैं इसकी वीडियो प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। स्किप ऐड मैंने क्लिक किया, अब देखो यहाँ पर देखो पूरा मोबाइल गेम है और मोबाइल गेम प्ले की ये वीडियो क्या करता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है। रिकॉर्डिंग करने के बाद इसकी जो ओरिजिनल आवाज़ है उसको बंद कर देता है। बंद करने के बाद आगे पीछे का पार्ट कट करता है, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाता है, उसके बाद प्रॉपर एक वीडियो क्रिएट करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देता है। बात समझ गए, ऐसा तरीके से करके आप वीडियो बना सकते हो। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ऐसा जो चैनल है मोनेटाइज नहीं होता है, तो भाई उनके लिए केवल एक ही जवाब है, ठीक है भाई। वो जो कहते हैं ना कि चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो भाई वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करने वाले हैं, वो हर चीज़ में बहाना देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जो करने वाले होंगे वो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर चैनल मोनेटाइज नहीं होता तो भाई ये बंदा पागल तो है नहीं कि दिन के 4-5 वीडियो अपलोड करता है, 10-10 मिनट, 13-13 मिनट की, ठीक है। इतना आपको सेंस होना चाहिए कि भाई हाँ, अगर कुछ पैसा मिले तभी इंसान वीडियो अपलोड कर रहा है, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि भाई गेम कौन सा है, वीडियो कैसे क्रिएट करनी, कैसे बनानी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस देखो, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि भाई गेम कौन सा, गेम कैसे डाउनलोड करना है। तो भाई गेम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो वहाँ से आप गेम को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर भी आ सकते हो। प्ले स्टोर पर आने के बाद आप यहाँ पर सर्च करना है, क्या सर्च करना है, कार, ठीक है, कार गेम या कार रेसिंग सर्च कर सकते हो, कार रेसिंग गेम, ठीक है। सिंपल आपको ये सर्च करना है, सर्च करोगे तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो ये कार रेसिंग आ गया 3D वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कार रेसिंग 3D आ गया, तो यहाँ पे देखो 100 मिलियन प्लस डाउनलोड हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इसको इंस्टॉल पे क्लिक करके फटाफट इस गेम प्ले को जो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड कैसे करना है वो तो आपको मालूम होगा भाई, इंस्टॉल पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब उसके बाद बात आती है कि भाई गेम खेले कैसे, तो सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, देखते रहो वीडियो को बस ध्यान से, ठीक है। अब एक बार गेम इंस्टॉल हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो जो गेम पहले मैंने डाउनलोड किया था तो वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन पे क्लिक करेंगे फटाफट। तो सेम आपको जो है इस गेम को ओपन करना है, ओपन करना, जब ओपन करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप गेम पहले खेलो तो अपने फ़ोन का जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसको चालू कर लेना, ठीक है, ताकि आप गेम पर रिकॉर्ड कर पाओ। आप देखो मैंने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर चालू है, मेरा ऑलरेडी चालू है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चालू करने का, आपको जो है यहाँ पर गेम पर चालू खेलना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो कैसे गेम प्ले खेलना है, और यहाँ पे आपको बार बार आउट नहीं होना है, ठीक है। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे खेलना है, देखो ये देखो यहाँ पे आप कैसे खेल सकते हो। यहाँ पर टैप करोगे तो गाड़ी भागेगी, ठीक है, ये देखो गाड़ी भाग रही है, ठीक है। तो मतलब ऐसे करके आपको गेम प्ले खेलना है, और जो मतलब इसको जो है अच्छे तरीके से खेलना है कि बार बार आउट ना हो, ठीक है। गाड़ी कैसे चलेगी, अब यहाँ पर टैप करोगे तो गाड़ी चलने लगेगी, ठीक है। देखो यहाँ पर खाली स्क्रीन पर टैप करो तो गाड़ी आप ऑटोमेटिक चलेगी, ठीक है। तो केवल मैं स्क्रीन पर टैप किया हूँ तो गाड़ी वाला चले, इसके अंदर कोई मतलब आसान तरीके से आप गेम खेल सकते हो, केवल आपको यहाँ पे स्क्रीन पर टैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गेम प्ले हमारा चल रहा है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा गेम प्ले को जो है कम से कम 10 से 15 मिनट का गेम प्ले हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ पर हम आउट होते हैं वो उसका पार्ट हम एडिटिंग में कट करेंगे, ठीक है, बात समझ गए हो। तो देखो इतना हमने यहाँ पर जो है खेल रहा हूँ, देखो आप लोग खेलोगे तो भाई आपको भी काफ़ी मज़ा आने वाला है गेम प्ले खेलने में, ठीक है। मुझे भी काफ़ी मज़ा आता है गेम प्ले खेलने में, तो मैं ऐसे गेम प्ले करके जो है रिकॉर्ड कर लूँगा। अब देखो मैंने यहाँ पे विनर विन कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, अब जो है इस गेम प्ले को करेंगे एडिटिंग। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एडिटिंग करना कैसे, चलो बताता हूँ आपको। तो गाइस आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ काइन मास्टर ऐप के अंदर, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई वीडियो जो एडिटिंग है वो करेंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको मीडिया पे क्लिक करके बैकग्राउंड पे क्लिक करके आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आपको फटाफट ले आना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले आया। अब हम क्या करेंगे, जितनी बड़ी हमारी जो वीडियो है वो क्रिएट हुई उसको हम यहाँ पे उतना बड़ा कर लेंगे बैकग्राउंड को। अब एग्जाम्पल मैं आपको छोटा दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो आपको जो समझना है वो समझो, ठीक है। तो देखो मैंने एग्जाम्पल इतना बड़ा बैकग्राउंड मैंने कर दिया। अब करने के बाद हमने जो गेम प्ले को एक्चुअल रिकॉर्ड किया था, तो लेयर पर क्लिक करके हम क्या करेंगे, फटाफट जो है यहाँ पर रिकॉर्डिंग वाला गेम प्ले यहाँ पे ले आएंगे। अब देखो मैंने गेम प्ले को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया था, ठीक है। तो आपको करना क्या, अब देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है इसको फुल स्क्रीन करना है, इतना बड़ा, देखो इतना बड़ा आपने कर लिया,
इतना आपने कर लिया। देखो जहाँ से नीचे ऐड आ रहा है तो ऐड को भी आपको कट कर देना है, ये देखो इतना अच्छे से आपको कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट होना चाहिए, कि बिल्कुल प्रोफेशनल जो होता है वो लगना चाहिए। देखो इतना मैंने किया, अब इतना करना है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो साउंड है उसको बिल्कुल म्यूट कर देंगे, बंद कर देंगे, बंद हो चुका है। उसके बाद देखो इस पर क्लिक करके यहाँ पर डुप्लीकेट ऐसा लिया, डुप्लीकेट आएगा तो डुप्लीकेट हम क्लिक करेंगे। अब देखो डुप्लीकेट हो चुका है। अब पीछे वाला जो साउंड मतलब पीछे वाला जो लेयर था इस पर क्लिक करके इसको हम करेंगे जूम, ठीक है। इस पर क्लिक करके इसको हम करेंगे पूरा जूम, बड़ा जितना बड़ा पूरा बैक स्क्रीन में आ जाए। देखो इतना बैक स्क्रीन पूरा आ चुका है, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में इसको हम कर देंगे एडजस्ट, ये देखो ये सेंटर में हो चुका है, ठीक है। अब इतना हो चुका है, अब हम क्या करेंगे उसके बाद, फिर लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे जाएंगे, फिर बैकग्राउंड पे जाके एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले आएंगे, ब्लैक कलर का। उसके बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पर क्लिक करके आपको फिट स्क्रीन पे कर देना है। देखो फिट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड को जितनी बड़ी हमारी वीडियो बनी है उतना बड़ा हम लास्ट तक ले जाएंगे, बिल्कुल आखिरी तक। अब देखो इतनी बड़ी हमारी वीडियो बनी है तो इतना बड़ा करने के बाद बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर देखो एक बटन मारा सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखो ये बैक हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखो बटन दिख रहा है अल्फ़ा का, अल्फ़ा पे क्लिक करके इसके थोड़ा सा वो कर देंगे ओपेसिटी का। देखो पीछे के भी हमें दिखने लगा हल्का हल्का और गेम पर हमारे सामने चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको प्ले पे क्लिक करेंगे। देखो अब प्ले पे हमने क्लिक किया, अब देखो हमारा जो गेम प्ले है वो हमारा गेम सामने जो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, इतना स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब इस पर जो ईयर लेयर था इस पर हम करेंगे डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करेंगे हम, डुप्लीकेट हुआ। उसके बाद हम डुप्लीकेट लेयर को इसके साइड में लगा देंगे, इसके साइड में बिल्कुल थोड़ा दूर दूर कर देना आपको, ठीक। इतना साइड हम लगा देंगे, ये देखो इतना साइड हमने लगाया। उसके बाद एक और लेयर पे क्लिक करेंगे, इस पर एक और लेयर पे क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे, वो हम इस साइड लगा देंगे, ठीक है। थोड़ा साउंड अगर आपको आता है तो एडजस्ट कर लेना मेरे भाई, ठीक है। ये देखो ये हमने इसको यहाँ पर लगा दिया। अब मैं आपको प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको पहले अच्छे तरीके से सेट कर लेते हैं, ये वाले को अच्छे तरीके सेट करके, ताकि प्रोफेशनल लगना चाहिए बिल्कुल गेम प्ले, बच्चे देखें तो बच्चे को बोर ना होना चाहिए। अब देखो मैंने इसको बीच में सेट कर दिया, प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देखो इस प्ले पे क्लिक किया, अब देखो जैसे लग रहा है कि भाई तीन तीन स्क्रीन में हमारा जो गेम प्ले है वो हमारे सामने चल रहा है, ठीक है। तो सिंपल आपको जो ऐसा करिए, कुछ गेम प्ले बनाना है। अब आपने इतना गेम प्ले बनाया, अब उसके बाद भाई बात आती है कि भाई यहाँ पे जो है बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है। तो कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन ओपन करो तो वहाँ पे आपको कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक मैं आपको दे दूंगा। तो वहाँ पे मेरी वेबसाइट, वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर लो फटाफट, ठीक है। उसके बाद आपको जो कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा देना है, इस पर क्लिक करके आपको म्यूज़िक लगाना है, और बस आपका जो वीडियो रेडी है। ना इसके अंदर आपको कोई आवाज़ देनी है, ना कोई फेस दिखाना है, ठीक है। बस आपका जो वीडियो जो रेडी है, अब आपको इसको करना है एक्सपोर्ट, ठीक है। आपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लिया, अब उसके बाद भाई बात आती है टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन एंड थंबनेल की। तो भाई वो कैसे करोगे, चलो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो भाई आपने जो है वीडियो क्रिएट कर लिया, वीडियो बना लिया, ठीक है। अब बात आती है भाई टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन एंड थंबनेल की। तो भाई वो कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा थंबनेल के लिए। तो भाई थंबनेल के लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपने गेम प्ले को डाउनलोड किया था, ठीक है। तो गेम प्ले को आप क्या कर सकते हो, गेम प्ले का जो जब आप गेम प्ले खेलो तो वहाँ पे आप गेम प्ले का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला गेम पर डाउनलोड किया था जो आपको मैंने अभी दिखाया, तो यहाँ पे आप गेम प्ले का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, चलो मैं आपको बताता हूँ स्क्रीनशॉट कैसे लोगे, ठीक है। कौन से मोमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है थंबनेल के लिए, तो यहाँ पे आपको गेम प्ले स्टार्ट कर देना है, ठीक है। गेम देखो अभी मेरा नेट चालू, तो ऐड आ रहा है थोड़ा सा, तो ऐड देखो, हाँ देखो गेम प्ले चालू हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जहाँ पे एक अच्छा मोमेंट आएगा तो फटाफट आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना, तीन चार स्क्रीनशॉट लेना है। तो जैसे ये मोमेंट आया तो हम इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट हमने लिया, फिर यहाँ पे गाड़ी भगाएंगे। देखो यहाँ पे गाड़ी में जहाँ पे एक अच्छा फिर मोमेंट आएगा तो वहाँ पे हम फिर स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा गाड़ी भगा रहे हैं, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंट आने दो। तो जैसे ये मोमेंट आएगा, ये देखो एक अच्छा मोमेंट आने दो, बस गाड़ी उड़े, बस देखते रहो थोड़ा सा, बस ये देखो अच्छा मोमेंट आया, मैंने फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद आपने दो तीन स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद देखो एक और आया तो मैं एक और ले लेता हूँ, ठीक है। चलो तीन मैंने स्क्रीनशॉट ले ली, तो आपको भी एक अच्छा मोमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। अब लेने के बाद आप क्या करोगे, आपको आना है थंबनेल पे, पिक्सल लैब पे, पिक्सल लैब वेबसाइट पे आना, और यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके इमेज सर्च पे क्लिक करना है और कस्टम थंबनेल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा गाड़ी का साउंड आ रहा होगा क्योंकि भाई अगल बगल वाले बिल्कुल परेशान रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस थोड़ा सा इग्नोर कर देना, चलिए
तो यहाँ पे उसके बाद देखो आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इस पर जो टेक्स्ट उसको डिलीट कर देना, उसके बाद यहाँ पे जो है इस पर क्लिक करके यहाँ पे कलर पे क्लिक करके ब्लैक वाला बैकग्राउंड ले आना, ब्लैक हो चुका है। अब प्लस पे क्लिक करके फटाफट फ्रॉम गैलरी पे जाना, उसके बाद जो आपने अभी भी लिया हुआ था स्क्रीनशॉट उसको आपको यहाँ पे ले आना है। तो थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं हम। अब देखो यहाँ मेरा इसके वहाँ पे वाटर मार्क आ रहा है क्योंकि मैं अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो आप जब लेना तो वहाँ पर आपको वाटर मार्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं देखो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो इसलिए मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का मार्क आ गया है, ठीक है। लेकिन जब आप स्क्रीन शॉट लोगे तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करके लेना, ठीक है, तो वहाँ पर आपका वाटर मार्क नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये इसको मैंने बंद किया, थोड़ा थोड़ा कट किया, आप देखो यहाँ पे एक अलग मोमेंट का स्क्रीन शॉट हो चुका है। तो ये हम लगाया, और उसके बाद एक आखिरी स्क्रीन शॉट हम यहाँ पे लगा देंगे, ये देखो आखिरी वाला हम इसको कट करेंगे, ये देखो कट किया, अब उसको हम यहाँ पे लगा देंगे आखिरी वाला, थोड़ा उसको बड़ा कर देते हैं, ये देखो तीन आखिरी यहाँ पे जो लग चुका है। अब इतना हमने यहाँ पे इसको लॉक करेंगे तीनों, उसके बाद मेन चीज़ आता है, देखो क्या मेन चीज़ आता है, प्लस पे क्लिक करके आपको जो एक PNG लगानी पड़ेगी, ये PNG, ठीक है। ये PNG का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप मेरी वेबसाइट पर जाके फटाफट डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्ट लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको मैंने यहाँ पे किया, अब इसका कलर देखो रेड आ रहा है, तो रेड अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के लिए हम कलर चेंज कर सकते हैं, पीला कर देंगे, तो वो पीला हो चुका है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे यानी कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद एक हम यहाँ पर लगा देंगे, ये देखो एक हमने यहाँ पर लगाया, और उसके बाद हम एक और कॉपी करके एक नीचे लगा देंगे ताकि थंबनेल जो क्लिकेबल लगे, ये देखो ये हमने थंबनेल क्लिक लगा दिया। अब हम देख सकते हो थंबनेल भाई काफ़ी अट्रैक्टिव थंबनेल लग रहा है, ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिव थंबनेल लग रहा है। उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, टेक्स्ट पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ आप लिखना है आपको, मतलब कुछ अपने तरीके से लिख सकते हो जो गेम प्ले में हाई स्कोर, जैसे मैंने इसको हाई स्कोर लिखा। अब हाई स्कोर लिखने के बाद इसको यहाँ पर इसको बड़ा कर दूंगा, उसके बाद इस पर जाके यहाँ पर देखो मिलेगा फॉन्ट का, ठीक है, फॉन्ट का, तो यहाँ पे माई फॉन्ट पे क्लिक करके अगर आपको फॉन्ट भी चाहिए, ठीक है, तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे पूछना, क्योंकि भाई फॉन्ट और भाई बहुत मुश्किल से मिलता है, तो वहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम पे पूछना, वहाँ पर मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फॉन्ट को भी अच्छा तरीके से लगा दिया है, ठीक है, बस फॉन्ट को हाईलाइट कर देता हूँ फटाफट। तो हाईलाइट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके फॉन्ट हाईलाइट हो गया, ये देखो हाई कितना अट्रैक्टिव थंबनेल लग रहा है, ठीक है, देख सकते हो काफ़ी अट्रैक्टिव थंबनेल लगने लगा है। तो यहाँ पे आपको थंबनेल भी क्रिएट कर लेना, थंबनेल आपने क्रिएट किया, अब उसको आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करके कस्टम अल्ट्रा पे क्लिक करके सेव कर देना है, ठीक है, तो आपका थंबनेल भी सेव हो चुका है। तो भाई अब बात आती है भाई टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन, तो भाई उसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है, तो भाई उसके लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, आपको मेरे जो है लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर, तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है, सर्च पे क्लिक करना है, और देखो आपके स्क्रीन पे एक सामने कोड आ रहा होगा, ठीक है, कोड, तो कोड आपको क्या करना है, कोड को यहाँ पे टाइप करना है, कोड टाइप करोगे तो आपके सामने टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कैसे, देखो कोड मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ, यहाँ पर जो कोड आपके सामने मैं यहाँ पर टाइप कर दिया 5646, जैसे ही आप इसको टाइप करोगे तो आपके सामने टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। अभी देखो एग्जांपल मैंने यहाँ पे सर्च किया तो अभी नहीं आया क्योंकि अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन जब आप ये वीडियो देखोगे तो भाई आपके सामने वहाँ पे आ जाएगा, तब तक मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके यहाँ पे सर्च करना तो आपके सामने टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।